महाराष्ट्र के पुणे में एक ही परिवार के सात लोगों की मौत का खुलासा हो गया है। पुलिस ने पहले दावा किया था कि सातों ने सुसाइड किया है, लेकिन अब हत्या की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि चचेरे भाइयों ने ही पुरानी दुश्मनी के कारण एक ही घर के सात लोगों की हत्या कर दी और इसको सुसाइड का रूप दे दिया। करीब एक हफ्ते में पुणे जिले के दौड़ तहसील में भीमा नदी में एक ही परिवार के सात लोगों की लाश मिली थी। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने दावा किया था कि परिवार की लड़की को गांव के ही लड़के से प्रेम था और दोनों गांव से गायब हुए थे, उसके कारण एक ही परिवार के सात लोगों ने आत्महत्या की। लेकिन जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ी तो हत्या की बात निकलकर सामने आई। जिला ग्रामीण पुलिस की जांच से पता चला कि ये सात लोग आत्महत्या से नहीं बल्कि मारे गए थे। पुलिस की माने तो इन सातों की नफरत के चलते हत्या हुई। पुलिस की जांच से पता चला है कि सभी सात हत्याएं चचेरे भाई द्वारा की गई थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हत्या करने वाले चारों चचेरे भाइयों को पुलिस ने कल यानी मंगलवार को हिरासत में ले लिया। उनकी एक महिला साथी भी है। पुलिस का दावा है कि इन सभी सात लोगों को आपसी रंजिश के चलते उनके ही परिचितों और रिश्तेदारों ने पहले उन्हें कुछ खिलाया और जब वे बेहोश हो गए तो उन्हें नदी में फेंक दिया। पुलिस को मृतकों के शरीर पर बाहरी चोट के कोई निशान नहीं मिले, इसलिए वे फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने कुल छह लोगों को अरेस्ट कर लिया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है, जबकि एक आरोपी फरार है। बता दें कि ये पूरा मामला पुणे शहर के यवंत गांव के बाहरी इलाके का है, जहां भीमा नदी पर परगांव पुल के पास सोमवार को चार और मंगलवार को तीन लोगों के शव मिले। सभी शव एक दूसरे से करीब 200 से 300 मीटर की दूरी पर पाए गए थे। मृतकों की पहचान मोहन पवार, उनकी पत्नी संगीता पवार, मोहन और संगीता की बेटी रानी, दामाद श्याम पंडित और उनके तीन बच्चों के रूप में हुई थी। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।